CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में। बच्चों, आइए हम आज एक दुआ को पढ़ते हैं जो आपकी इब्तदाई उर्दू की दूसरी जमात में शामिल है। दुआ का अहतमाम आमतौर पर असेंबली में किया जाता है और इसका मकसद यह होता है कि हम एक अच्छी शुरुआत करें, हमारा दिन अच्छा गुजरे और हम एक नज़्म व ज़ब्त के पाबंद नज़र आए। भाई, इससे हमें वक्त की पाबंदी का भी पता चलता है, हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, सभी तालिबीन में एक साथ जमा होते हैं हर क्लास के और वहाँ एक डिसिप्लिन नज़र आता है। तो आइए इस नज़्म को हम शुरुआत करते हैं। नज़्म का उन्वान है दुआ। दुआ कुछ इस तरह से शुरू होती है। ऐ दुनिया के बाग के माली, ऐ अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझ सा कोई नहीं है, तुझ सा दाता कोई नहीं है। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। इस नज़्म को लिखने वाले शफीउद्दीन नय्यर हैं। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अहम नज़में लिखी हैं। उन्हीं की नज़मों में से, उनके कलाम से एक नज़्म यहाँ पर ली गई है जो 5 अशआर पर मुश्तमिल है। तो आइए इस नज़्म को एक बार हम फिर पढ़ते हैं। इसके पढ़ने के अंदाज पर आप गौर कीजिए कि हमें बहुत तेज़ नहीं पढ़ना है, बहुत रुक रुक कर नहीं पढ़ना है, एक लाइन को दूसरी लाइन से मिला के नहीं पढ़ना है। बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए बात की पहली लाइन के कहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी लाइन कहाँ शुरू हो रही है, ताकि सुनने वाले ये समझ जाएँ कि नज़्म के तरीके से पढ़ी गई है, ना कि नसर के तरीके से। तो आइए दुआ को एक बार फिर हम पढ़ते हैं। ऐ दुनिया के बाग के माली, ऐ अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। बच्चों, आपने ये नज़्म सुनी, आपको अच्छी लगी होगी। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या सुबह होती है तो सबसे पहले हमें खुदा का नाम, अल्लाह ताला का नाम या भगवान का नाम हम लेकर उस काम की शुरुआत करते हैं और हमारा ये यकीन होता है, ये एतमाद होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो पूरे तरीके से होगा, अच्छा होगा। जब काम अच्छा होगा तो हमें सुकून भी मिलेगा। इसी वजह से इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इसके शुरू के 3 अशआर यानी 6 लाइनों में, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं जिनको हम लाइनें समझ कह सकते हैं। अभी आप बाद में अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे मिसरे क्या होते हैं, शेर क्या होते हैं, लेकिन अभी आप इनको ये समझिए कि ऐ दुनिया के बाग के माली, ऐ अपने बंदों के वाली, ये एक शेर हो गया या इसके 2 मिसरे हो गए या 2 लाइनें हम कह सकते हैं। तो इसमें खुदा को क्या कहा गया है, आप समझ सकते हैं कि बाग का माली कहा गया है। तो बाग किसे कहा गया है, यानी पूरी दुनिया को एक बाग तसव्वुर किया गया है और जिस तरह से माली उस बाग की देखभाल करता है, रखवाली करता है, उसके बारे में अपनी मेहनत से उसको सजाता है, संवारता है, कब उसको पानी देना है, कब जो है खाद देनी है, कब उसको जो है उसकी पत्तियां कतरनी है, टहनियां काटनी है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आप खुदा को देखिए कि वो पूरी दुनिया का माली वो है, वो पूरी दुनिया का मालिक के मुराद ये है कि मालिक वही है। यहाँ माली और वाली, पहले मिसरे में माली इस्तेमाल हुआ है और दूसरे मिसरे में वाली इस्तेमाल हुआ है। तो वाली का मतलब भी आका होता है या मालिक होता है और पहले मिसरे में माली कहकर खुदा से ही मुराद लिया गया है कि वो बाग का माली वही है, यानी पूरी दुनिया का मालिक वही है। वही समय पे बारिश भी करा सकता है, मौसमों को तब्दील भी कर सकता है, वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे चाँद निकलता है, सूरज ग़ुरूब होता है। तो इस तरह से दुनिया में जो भी निज़ाम चल रहा है, आमतौर पे हमारा ये यकीन है, ये तसव्वुर है कि इसको करने वाला कोई बहुत बड़ी ज़ात है, कोई बहुत बड़ा सुपर पावर है जो इस निज़ाम को चला रहा है। जाहिर सी बात है कि सुबह होती है और शाम होती है, एक मुकर्ररा वक्त पे सूरज निकलता है और डूब जाता है, रात आती है, फिर सुबह होती है। तो ये सारा निज़ाम
खुद किसी इंसान का नहीं हो सकता, किसी सुपर पावर ऐसा हो सकता है जो वाकई सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, तो वह ताकत हमने तस्वीर कर लिया है कि वह खुदा है, अल्लाह ताला है, भगवान है, या उसे आप और कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। आइए दूसरे में शेर पर गौर करते हैं कि दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। अब यहाँ जान के मालिक और जहान के मालिक, तो ये जान और जहान आप देखते हैं कि एक तरह से ये जिसको हम कहते हैं कि काफिया है, या इसमें तुक है, इस्तेमाल हुआ तुकबंदी की गई है कि जान और जहान, यानी एक जैसी आवाज़ पे यह अल्फाज ख़त्म होते हैं, दिल के मालिक, जान के मालिक। ये कौन किसे कहा गया है, यानी अल्लाह ताला को, खुदा को, भगवान को, कि हमारे दिल का मालिक वही है, हमारी जान का मालिक वही है, जब चाहे तो हमारी जान ले भी सकता है, हमारे दिल की धड़कन को रोक सकता है, यानी वह हमारे बस में नहीं है। अगर एक बार हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, तो ये सब हमारे हिसाब से नहीं है, बल्कि इस निज़ाम को चलाने वाला, इस सिस्टम को पैदा करने वाला खुद अल्लाह ताला की ज़ात है, जो उसने हमें अता किया है, तो वह हमारे दिल का भी मालिक है और हमारी जान का भी मालिक है। और जान के मालिक से मुराद यह है कि हमारी हस्ती जो है, हम जो कुछ है उसी की देन है, और अगर हम ये चाहें कि हमारी जान हमारे अपने हाथ में है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत अच्छा नज़रिया नहीं है। इसलिए कि एक बात यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ कि ख़ुदकुशी, जिसे हम सुसाइड कहते हैं, वो जाहिर सी बात है कि किसी भी मज़हब में उसको जायज़ नहीं कहा गया है, कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी जान के मालिक हैं, जब चाहें हम अपनी जान ख़त्म कर ले, ऐसा नहीं है। इसलिए कि आपकी जान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है, ये उसी को अख्तियार है कि आपको पैदा किया है, तो आपकी जान वही ले सकता है। तो इसी वजह से ख़ुदकुशी को या सुसाइड को हराम कहा गया है। तो जान का मालिक और दिल का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसी की ज़ात है जो सुपर पावर है और कोई नहीं है। इसी तरह उसे दुनिया और जहान के मालिक कहा गया है, वो दुनिया का भी मालिक और जहान का मालिक। अब यहाँ बच्चों गौर कीजिए कि दुनिया भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जहान भी इस्तेमाल हुआ है, और जहान का मतलब दुनिया ही होता है, यानी एक ही मिसरे में, एक ही लाइन में, एक ही माने के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि दुनिया और जहान। आप ये सवाल कर सकते हैं कि दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, हम एक ही लफ्ज़ से काम चला सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये नसर में होती, यानी ये चीज़ परोध में होती, तो वहाँ इसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन नज़्म में जो बात की जाती है, पोएम में जो बात की जाती है, पोइट्री में इजहार ख्याल जो किया जाता है, तो वहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह कि वहाँ वज़न होता है, दो लाइनों का जो वज़न बराबर होना चाहिए, ताकि ना कोई लफ्ज़ ज़्यादा हो ना कोई कम हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया और जहान के मालिक कहकर पहले मिसरे दिल के मालिक, जान के मालिक से बराबर कर दिया गया है, और दोनों को अगर हम तरन्नुम से पढ़ना चाहें, यानी गाकर पढ़ना चाहें, मौसीकी के साथ पढ़ना चाहें, तो वो उसमें कोई कमी बेशी नज़र नहीं आएगी, और तरन्नुम के साथ हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि दुनिया और जहान, जहान की जगह हम संसार ले लें, तो संसार में हमारे पास पाँच हरूफ आ जाते हैं, यानी पाँच हर्फ, सीन भी है, नून भी है, फिर सीन है, फिर अलिफ है, फिर रे है, और जबकि जहान में सिर्फ चार हर्फ हैं, तो हम एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी संसार जहान की जगह संसार को नहीं ला सकते यहाँ पर, इसलिए कि वज़न हमारा बढ़ जाएगा और हम फिर उसको तरन्नुम से नहीं पढ़ सकते, उसको गाकर नहीं पढ़ सकते। तो नज़्म की बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं जिसका शायर एहतमाम करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही माने के लिए उसको कई जैसे एक ही माने के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक ही माने देने के लिए कई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इन ऐसे लफ्ज़ों को हम आपस में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि मुतरादिफ अल्फाज, यानी एक ही माने देने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो इस्तेमाल कर किए जाते हैं, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। अब आइए अगला शेर लेते हैं। दूसरा तुस्सा कोई नहीं है, तुस्सा दाता कोई नहीं है। दूसरा तुस्सा कोई नहीं है, यानी इस पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा देने वाला कोई नहीं है, एक ही तू ही ऐसा है जो देकर कभी वापस नहीं मांगता, उसका तकाजा नहीं करता। आप लोग तो अगर दुनियादारी में आप देखें, आप दुनिया में किसी ने आपकी मदद की, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उसका एहसान चुकाएं, और अगर उसने हमारी कुछ ऐसे मदद की है, कुछ पैसों से मदद की है, रुपयों पैसों से मदद की है, तो जाहिर सी बात है कि यह वक्त आएगा वो उसका तकाजा भी करेगा।
तो और दूसरी और लेकिन खुदा से वो अल्लाह ताला से ऐसी उम्मीद नहीं है, वो तो जब देता है तो कहा जाता है कि छप्पर फाड़ के देता है और फिर वापसी का मुतालबा नहीं करता। और दूसरा तुस्सा कोई नहीं, यानी पूरी कायनात में पूरे यूनिवर्स में उस जैसा कोई नहीं है, वो निराकार है। हर आदमी का तो कोई ना कोई आकार, हर चीज़ की कोई ना कोई शक्ल होती है जिसको हम उसकी शक्ल से पहचान लेते हैं। गाड़ी है तो उसकी शक्ल से पहचान लेते हैं, ये अलग बात है कि अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग साइज़ हैं या और कोई चीज़ है, तो हर चीज़ का अपना एक आकार है। लेकिन खुदा की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात या भगवान की ज़ात जिसको हम कहें, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन वो एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जिसको हम कहते हैं कि नज़र नहीं आता लेकिन हमारा यकीन है कि वो हर जगह हमें देख भी रहा है और हमें सुन भी रहा है। हाजिर और नाजिर जिसको हम कहते हैं कि वो मौजूद भी है और उन्हें देख भी रहा है। तो दूसरा तुस्सा कोई नहीं है। यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत और हम करना चाहेंगे कि कुरान में एक आयत है कि सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, ये कलाम पाक की एक अहम आयत है जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में कहा है और उसमें ये इशारा दिया है कि लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अहद का मतलब एक, वाहिद का मतलब भी एक होता है, लेकिन अहद और वाहिद में फ़र्क यह है कि वाहिद की कोई मिसाल पूरी दुनिया में मिल सकती है, कहीं और भी मौजूद हो सकती है, लेकिन अहद अगर जब कह दिया अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बारे में, तो पूरे यूनिवर्स में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, बेमिसल है। इसी वजह से शायर ने एक बहुत बड़े कंसेप्ट को और बहुत मामूली बातों में अदा कर दिया है कि दूसरा तुस्सा कोई नहीं है, तुच्छा दाता कोई नहीं है। दाता का मतलब देने वाला, जो आपकी मदद करे, आपको सहारा दे, कुछ दे दे। तो वो जाहिर सी बात है, जैसा कि पहले हमने वजाहत कर दी कि तुच्छा दाता कोई नहीं है, यानी वो एक वही ऐसा है जो कभी देकर वापस नहीं मांगता। जो है जो भी ज़रूरत होती है उसी से पूरी होती है हमारी, वो कभी हमारी ज़रूरतों को मना नहीं करता, इनकार नहीं करता, वो देता है तो फिर देकर देता नहीं। तुच्छा दाता कोई नहीं है। इसमें इसी इस मिसरे में इसी नुक्ते को इसी ख्याल को पेश किया गया है। तो ये तीन अशार आपने शुरू के देखे जिसमें खुदा की तारीफ की गई है, आए दुनिया के बाग के वाली, आए अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुच्छा कोई नहीं है, तुच्छा दाता कोई नहीं है। इन तीन अशार में या छः लाइनों में शायर ने दुआ का जो अहतमाम किया कि वो खुदा की तारीफ की है हर एतबार से, उसकी खूबियाँ बयान की हैं, उसकी सिफात बयान की हैं कि उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। और फिर आगे के दो अशार आप देखिए कि बख्श हमारे जिस्म को ताकत, यानी खुदा की तारीफ करने के बाद अब वो शायर कहता है बख्श हमारे जिस्म को ताकत। जब जिस्म को हमारे ताकत, बख्श माने बख्श ना माने देना, अता करना, बख्श हमारे जिस्म को ताकत, यानी हमारे जिस्म को ताकत दीजिए तभी हम मेहनत कर सकते हैं। अगर जो आपने हमको पैदा किया है तो हमें इस काबिल बनाइए कि दुनिया में हम कुछ काम करें, काम करने के लिए मेहनत करने मेहनत होगी, मेहनत के लिए हमें ताकत चाहिए। तो जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो पहले मिसरे में यहाँ ये कहा गया है कि बख्श हमारे जिस्म को ताकत, यानी हमारे जिस्म को हिम्मत ताकत दीजिए, तवानाई दीजिए, कुव्वत दीजिए। उसके बाद इसी शहर के दूसरे मिसरे में बख्श हमें मेहनत की आदत, हमें ताकत तो दे दी आपने, जिस्म भी हमारे पास है, ताकत भी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, जग में जो रोशन नाम कैसे होगा जब हम मेहनत करेंगे, मेहनत की आदत होगी। ऐसा ना है कि हम बैठे रहें और सारा काम हमारा हो जाए। मेहनत करने के लिए हमें भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे से मदद भी लेनी पड़ेगी, एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ेगी। और आमतौर पर यह आदत ऐसी है, बगैर मेहनत के आमतौर पर कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सका है। तो शायद ने इसी बात को कहा, जोर दिया है कि हमें मेहनत की आदत करने की आदत दीजिए, बख्श दीजिए हमें, हमारे अंदर इतनी हिम्मत दीजिए कि हम मेहनत कर सकें। इसी तरह अगले शेर का पहला मिसरा देखिए कि हिम्मत दे कुछ काम करें हम। वहाँ तो पहले ताकत मांगी, फिर मेहनत के लिए दरख्वास्त की, अब फिर बात है हिम्मत की आ रही है कि हिम्मत दीजिए, कुछ हिम्मत दे कुछ काम करें हम। हमारे अंदर ताकत भी आ गई, मेहनत भी हमने कर ली, लेकिन हमारे अंदर अभी वो हौसला नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। तो खुदा से वो दुआ कर रहा है शायर कि ऐ खुदा ताला, ऐ अल्लाह ताला, ऐ खुदावंद करीम, हमें हिम्मत दीजिए कि हम कुछ काम करें। कुछ काम से मुराद ये कि जो भी हम करना चाहें, जो भी शुरू करें उसमें हम कामयाबी अता करें। जब हम कामयाब होंगे तो जग में रोशन नाम करें हम।
तो जग यहाँ फिर जग माने दुनिया आ गई। पहले एक दुनिया लफ्ज आया था, उसका मुतबादिल आया था जहान, और यहाँ फिर जग आ गया। तो जग के मुझसे मुराद दुनिया है। जग में रोशन नाम करें हम, तो यहाँ पे रोशन माने अपने नाम को अच्छा नाम हमारा हो, लोग उसको पहचाने, लोग उसकी तारीफ करें और हमारे काम की तारीफ हो। रोशन नाम करने से मुराद ये है कि हमारी खूबियाँ लोगों तक पहुँचें। यहाँ एक लफ्ज़ जो रोशन नहीं पढ़ेंगे, इसको रोशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये नज़्म आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या खास बात की गई है। शायर ने पहले तीन अशार में, पहले यानी पहली छः लाइनों में खुदा की सिफात बयान कर की हैं, खुदा की खूबियाँ बयान की हैं, और उन खूबियों को बयान करने के बाद आखिरी चार लाइनों में वो कहता है कि हमारे जिस्म को ताकत भी ज़रूरत है, हमें मेहनत की आदत करने की चाहिए और हिम्मत भी दीजिए ताकि हम दुनिया में रहकर अपना नाम रोशन कर सकें। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि दुआ को पढ़ा गया यहाँ पर, उसकी खूबियाँ बयान की गई, उसका क्या मतलब है वो भी वाज़े किया गया। उम्मीद है कि आप नज़्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस नज़्म को याद करेंगे और अपनी असेंबली में भी पढ़ेंगे, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं और इसको गुनगुना भी सकते हैं, तरन्नुम से भी पढ़ सकते हैं और अपने वालिदैन को यानी अपने पेरेंट्स को भी सुना सकते हैं। चूँकि आप स्कूल में आए हुए हैं, उर्दू ज़बान की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कोई ज़बान सीखने के लिए, जैसा कि हमें मालूम है कि उसकी चार बुनियादी महारतें होती हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चूँकि सुनना और बोलना आप शुरू से करते आए हैं, घर से ही इस महारतों को सीख रहे हैं, उसमें और इजाफा होने की ज़रूरत है। लेकिन दो महारतें बहुत अहम हैं और हैं, यानी वो पढ़ना और लिखना, और यही दो महारतें ऐसी हैं जो किसी इंसान की पर्सनालिटी को जाहिर करती हैं। जब हम किसी को ये कहते हैं कि वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब कि वो बहुत एजुकेटेड है और उसके अंदर ये दोनों स्किल आ रही हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो बहुत सुना हुआ और बोला हुआ है, कभी उसके दो महारतों से उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं होता। बल्कि अगर कोई एजुकेटेड है, कोई तालीम याफ्ता है, तो हम यही कहेंगे कि वो आदमी पढ़ा लिखा है। तो पढ़ने और लिखने की दो महारतें ऐसी हैं कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दो महारतें हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, हम किसी ज़बान के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि हमने उस ज़बान को सीख लिया है। तो आइए, इस नज़्म के हवाले से वो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, नुक्ते हैं, जिसकी वजह से हम लिसानी महारतों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुनने और बोलने की महारतों को, क्योंकि ये आप घर से करते आए हैं, अपने भाइयों से बात करते हैं, बहनों से, पेरेंट्स से बात करते हैं, दोस्तों से भी बात करते हैं, गुफ्तगू का जो भी माहौल होता है वो सुनने और बोलने तक महदूद होता है। अब क्योंकि आप स्कूल में आ गए हैं, तो स्कूल का एक नया माहौल है, आप एक नई ज़बान सीख रहे हैं, उस ज़बान की बारीकियाँ जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, क्या उसे आप लिख भी सकते हैं? यकीनन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करने पड़ेगी, हमें जो है कलम लेना पड़ेगा हाथ में और उस ज़बान को सीखना पड़ेगा। चूँकि आप पहली जमात के से आप गुज़र चुके हैं, और उम्मीद है कि आपने हुरूफ़ तहज्जी को भी सीख लिया होगा, लफ्ज़ों की अदायगी पर भी आपको कुदरत हासिल हो गई होगी, लफ्ज़ बनाना भी सीख गए होंगे, जुमले भी लिख ले रहे होंगे। आइए उसको मज़ीद कैसे हम आगे बढ़ाएं, अपने वोकैबुलरी यानी ज़खीरे अल्फाज को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर गौर करते हैं। तो आपने इस नज़्म में देखा कि ऐसे कई लफ्ज़ आपको नए मिले होंगे जो आपको चौंका रहे होंगे। जैसे लफ्ज़ है बाग के माली, माली भी लफ्ज़ आपने सुना होगा, लेकिन खुदा के हवाले से यहाँ माली का जो लफ्ज़ आ जाए उसको भी हमें गौर करना है, बाग को कैसे लिखा जाएगा। एक तो लफ्ज़ होता है गैन की आवाज़, एक गाफ की आवाज़, अगर हम गाफ को सही तरीके से नहीं अदा करते हैं तो बाग के बजाय बाग हो जाएगा, और बाग का मतलब दूसरा होता है, और बाग अगर हम कहेंगे गैन की आवाज़ निकालनी है तो हमें लफ्ज़ों की सही अदा करना है, उनका तलफ़ सही करना है, सही आवाज़ों को निकालना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला लफ्ज़ इसमें जो मुश्किल आया है वो वाली है, बाग के तुकबंदी के हिसाब से बाग का काफिया इस्तेमाल किया गया है वाली। तो इसी तरह वाली में कौन कौन से हर्फ हैं, वाली में कैसे लिखा गया है उस पर गौर करना है, हमें खुद लिखना भी है।
इसी तरह दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। दुनिया के साथ साथ जहान आया है, तो जहान को भी हमें लिखना है। हमें यह भी देखना है कि इसमें कितने हर्फ हैं। अगर हम इस लफ्ज़ के हरूफ को अलग अलग करके देखें तो उसमें जेम भी है, अलिफ है भी है, अलिफ भी है और नून भी है, यानी चार हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। हमें यह देखना है कि इस लफ्ज़ में कितने हरूफ शामिल हैं, उनकी बुनियादी शक्ल क्या है, और जब मिलाकर लिखा गया तो कहाँ उन हरूफ की शक्ल बदल गई। इसी तरह आप अगले मिसरे में आइए। दूसरा तुस्सा कोई नहीं है, यह तो आसान है। फिर तुस्सा दाता कोई नहीं है। दाता एक नया लफ्ज़ आया है, हो सकता कि आप पहले से सुनते रहे हों, लेकिन दाता का मतलब यहाँ देने वाला है। और दाता कैसे लिखा गया उस पर भी गौर कीजिए, और आप खुद लिख कर इसकी मश्क कर सकते हैं। इसी तरह बख्श हमारे जिस्म को ताकत। अब बख्श और जिस्म, इसको हम बख्श नहीं पढ़ेंगे, जिस्म नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बीच में वाला का जो हर्फ है वो साकिन पढ़ा जाएगा। यानी साकिन ऐसे हर्फ को या आवाज़ को कहते हैं जिस पे कोई हरकत ना हो, यानी सुकून से हो वो। तो इसी तरह बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत। तो यहाँ ताकत भी है और मेहनत भी है, आदत भी है और हिम्मत भी है। यानी हम ये सवाल भी कर सकते हैं कि ऐसे चार लफ्ज़ों की वजाहत की तलाश करके लिखिए जिसके आखिर में ते इस्तेमाल हुआ हो। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे इस पर गौर करेंगे, किताब को देखेंगे और उन लफ्ज़ों को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसके आगे ते इस्तेमाल हुआ है, यानी ताकत, मेहनत, आदत और हिम्मत। तो इस तरह हम देखते हैं कि लिखने और पढ़ने की बहुत सारी महारतें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले तो यही दिया गया मश्क के साथ देखें कि पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पढ़ने और समझने मुश्किल अल्फाज की वजाहत कर दी गई है। इसी उसकी दूसरी मश्क है कि इन सवालों के जवाब दीजिए। इन सवालों के जवाब देने का मतलब ये कि हम ज़बानी भी दे सकते हैं और उसका लिखकर भी जवाब दे सकते हैं। ज़बानी जवाब देना तो आसान है, लेकिन उसका लिखकर देना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि हम स्कूल में आए हैं तो हमारा वास्ता ज़्यादातर लिखने और पढ़ने से होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की मश्क करनी चाहिए। इसमें चार सवालात किए गए हैं कि दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है। जाहिर सी बात है कि अब सवाल का जवाब आसान हो गया है कि दुनिया के बाग का मालिक खुदा को कहा गया है, अल्लाह ताला को कहा गया है। खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है, अब उसी सवाल को थोड़ा सा पलट दिया गया है। इसका जवाब भी अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप आसानी से कह सकते हैं कि खुदा को दुनिया का मालिक कहा गया है। दाता किसे कहा गया है, ये भी आप समझ गए। दाता का मतलब क्या है, किसे कहा गया है, आप इसका जवाब आसानी दे सकते हैं। चौथा और आखिरी सवाल इसका है कि हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए। शायर ने जिस बात पर ज़ोर दिया है और वो यही कहा है कि हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। हर चीज़ की मेहनत ज़रूरी है, यानी कोई काम बगैर मेहनत के नहीं होता। यहाँ पे दो नज़रिया बल्कि आ सकता है, एक तदबीर का होता है, एक तकदीर का है। आम तौर पर लोग कहते हैं कि जो हमारी तकदीर में होगा वो हमको मिल जाएगा, तदबीर करने यानी कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, तदबीर से ही लोग आगे बढ़ते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी तकदीर में क्या है, लेकिन जब हम तदबीर करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम आगे भी बढ़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। खाना आपके सामने लगा हुआ है बच्चों, सब कुछ आपने मेहनत भी कर ली, ताकत के साथ, जिस्म की ताकत के साथ आपने हासिल भी कर लिया, खाना पककर तैयार भी हो गया, आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन इतनी तो आपको मेहनत करनी है कि प्लेट तक अपना हाथ ले जाएंगे और फिर अपने मुंह तक ले जाएंगे ताकि निवाला आपके मुंह में पहुंच सके। तो जो लोग तकदीर को मानते हैं, तदबीर को नहीं मानते, वो किसी गलत फहमी में है। तो बल्कि तदबीर से ही तकदीर बनती है। हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तदबीर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए अगली एक्सरसाइज है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। कुछ लफ्ज़ इसमें जो पहली बार इस्तेमाल हुई है या नए समझकर लिखा गया है, जैसे दुआ, जिस्म, माली, जहान, रोशन, ये पांच अल्फाज ऐसे लिए गए हैं। अल्फाज लफ्ज़ की जमा है, लफ्ज़ सिंगुलर है यानी वाहिद, और जब उसकी प्लूरल बनाएंगे तो जमा बनाएंगे तो वो अल्फाज हो जाएगा। अल्फाजों कभी मत कहिएगा, अल्फाजों गलत है। बहुत से लोग बोलते हैं जज्बातों, अल्फाजों, ख्यालातों, तो ये सब अल्फाज कहिए, जज्बात कहिए, ख्यालात कहिए, उस जमा की जमा मत बनाइए। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। इस मश्क के ज़रिए दुआ में
तीन हर्फ हैं, उन तीन हर्फ की पूरी बुनियादी शक्ल क्या होगी। सामने अलग अलग खाने दिए गए हैं, यानी बॉक्स बना दिए गए हैं, उन एक है एक बॉक्स में एक हर्फ लिखना है। यानी अगर आप दुआ को अलग अलग हरूफ में लिखें तो दाल पहले आएगा, ऐन की पूरी शक्ल बनेगी और अलिफ बाद में। आपने पहली क्लास में सीखा होगा कि बहुत सारे हर्फ ऐसे हैं जो अपने बाद के आने वाले हरूफ से नहीं जुड़ते। जैसे दाल के बाद ऐन आया तो दाल के बाद ऐन से जुड़ेगा नहीं। ऐसे नौ हरूफ हैं, उन हरूफ के आप मश्क एक बार और कर सकते हैं, अपने उस्ताद से भी पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि ऐसे नौ हरूफ कौन कौन से हैं। तो इसमें देखा कि आपने दुआ में दाल को अलग लिखा गया है और ऐन अलिफ को मिलाकर लिखा गया है। आमतौर पर जो भी हर्फ बीच में आता है, दरमियान में या शुरू में आता है, तो हरूफ की शक्ल बदल जाती है, लेकिन बाद में जो हर्फ आता है आमतौर पर उसकी शक्ल पूरी लिखी जाती है। सिर्फ एक हर्फ ऐसा है, यानी तोय और जोय, बल्कि दो, तो दो हर्फ ऐसे हैं जो चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए, उनकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरह इसका दूसरा लफ्ज़ देखिए, जिस्म। जिस्म में तीन हर्फ हैं, यानी जीम, सीन और मीम। वो अलग अलग कैसे लिखे जाएंगे तीनों हरूफ, सामने खाने में लिखना है। इसी तरह माली, मीम अलिफ और लाम ये, यानी दो हर्फ को एक साथ मिलाकर लिखा गया है, फिर लाम और ये को एक साथ मिलाकर लिखा गया है। तो इसमें चार हर्फ हैं, इन चारों हरूफ की बुनियादी शक्ल क्या होगी वो आपको सामने बने खाने में लिखना है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है जहान। जहान में भी चार लफ्ज़ हैं, अच्छा चार हर्फ हैं, जीम है, अलिफ और नून। आपने देखा कि अलिफ के बाद जो नून है वो बिल्कुल अलग लिखा गया है, क्योंकि हमने बताया कि ऐसे नौ हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। तो आप जहान को कैसे लिखेंगे अलग अलग करके हरूफ की शक्ल में, सामने चार खाने दिए हो गए, हर खाने में एक एक हर्फ को आप लोग लिखना है। इसी तरह पाँचवा हर्फ है रोशन। रे भी है, वाव भी है, शीन है और नून। आप इस पर गौर करेंगे, रे के बाद वाव नहीं मिला हुआ, वाव के बाद शीन से नहीं मिला है, यानी इसमें दो हर्फ अलग अलग कर दिए गए हैं, सिर्फ शीन और नून को मिलाकर लिखा गया है। तो आपके लिए आसानी ये हो गई कि रे को आप उसी तरह लिखेंगे जैसे लफ्ज़ में लिखा हुआ है, वाव को भी उसी तरह लिखेंगे जैसे लफ्ज़ में लिखा हुआ है, सिर्फ शीन को आपको अलग करना है और नून को अलग करना है। अब आइए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। अगली मश्क ये है, अभी आप तुम वो मश्क कर रहे थे कि आपके लफ्ज़ में जो हर्फ दिए गए हैं उसमें कितने हरूफ शामिल हैं, अलग अलग उनकी शक्ल क्या है। अब हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। इन मश्कों का मतलब ये होता है कि आप हरूफ को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, उनके बुनियादी शक्लों से वाकिफ़ हैं कि नहीं वाकिफ़ हैं। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने का मकसद ये है कि आप जब लफ्ज़ बनाएंगे तो क्या उन सा हर्फ किस तरह बदल जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उसकी बुनियादी शक्ल किस तरह तब्दील हो जाती है, इस पर गौर करना है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम लफ्ज़ों को हरूफ अलग कर रहे थे, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ इसी तरह हम बना सकते हैं। फिर बहुत सारे जो है ऐसे मिसरे हैं जिनमें एक एक लफ्ज़ निकाल दिया गया है, उन लफ्ज़ों की मदद से आपके खाली जगहों को पुर करना है। और अभी आपने देखा कि हमने वाजे भी किया कि दुनिया, जहान, जग वगैरह तीनों के मानी एक ही हैं। इसी तरह आपके किताब में, सबक में ऐसे कई लफ्ज़ आए हैं जैसे मालिक, दाता, वाली, खुदा, इसी तरह ताकत और कुव्वत। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम इस सबक के ज़रिए बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों को फ़रोग दे सकते हैं। आखिर में कुछ अल्फाज ऐसे दिए गए हैं जो पहली बार इस्तेमाल हुए हैं, यह हम समझते हैं कि इनको लिखा जाना चाहिए। खुशखत लिखना, यानी सुलेख लिखना, या जिसको हम कर्सिव राइटिंग कहते हैं, उसके ज़रिए हमारी, जब तक कितने ज़बान पे कितने भी अच्छी नॉलेज हमारी हो, लेकिन अगर हमारी तहरीर अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता। तो हमें ज़बान सीखने के साथ साथ हमें अपनी तहरीर पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर खुशखत लिख सकें जो है। तो बच्चों अभी आपने यह सबक पढ़ा दुआ, आपने सारी चीज़ें सीख कर ली होंगी और सीखेंगे, मश्क इस पर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।